वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको एक बहुत ही शानदार प्रश्न बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार पूछता है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, आपको ट्रिक के जरिए उसको प्रूव करना सिखाएंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपका देखिए, मैं स्टेप बाई स्टेप करके बताता हूँ। आज के बाद ऐसे प्रश्न कुछ नहीं छूटने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, है ना। आप पहले देख लीजिए हल कैसे करना है ऐसे प्रश्न को, बहुत इजी होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो संख्या दिया है उसको उल्टा मान लीजिए। जैसे अपरिमेय दिया है तो परिमेय मान लीजिए। यदि संभव हो तो लिखना है, क्या लिखना है, यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, इसको क्या मान लिया हमने, परिमेय मान लिया, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद आपको करना है क्या, तो इसलिए आपको लिख लेना है 5 - √3 इक्वल टू p/q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होते हैं, जहां q≠0। ओके, ये आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि जो रूट वाली संख्या है उसको अलग करना है। ये ट्रिक याद रखिएगा ना, रूट वाली जो संख्या उसको अलग करना है। तो 5 ये प्लस p/q है, इधर ला दीजिए, -p/q हो जाएगा, और -√3 इधर आएगा तो +√3। अब देखिए, आप लोगों ने पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √3 रूट वाली जो संख्याएं होती हैं जिसका पूर्ण वर्ग ना निकलता हो अपरिमेय होती है। ये भिन्न में है और ये रूट में है। तो चूंकि लिखेंगे इसके बाद LHS एक परिमेय संख्या है। LHS क्या है, एक परिमेय संख्या है, देख सकते हैं, क्योंकि p/q के फॉर्म में इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है ना। तो LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS क्या है, रूट में है ना। तो तथा RHS एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों तरफ उल्टे उल्टे आ गए, एक तरफ परिमेय आ गया, एक तरफ अपरिमेय आ गया, तो जो कि विरोधाभास है। ये क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास है, दोनों तरफ सेम आना चाहिए, इधर भी परिमेय तो इधर भी परिमेय, जो कि विरोधाभास है, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास है। अर्थात हमारा मानना क्या है, गलत है, हमने जो कुछ माना वो गलत है, हमारा मानना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 - √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो यानी कि जब भी आपको परिमेय के साथ अपरिमेय आ जाए वो आपको इजी होगा, याद रखिएगा, परिमेय के साथ अगर कोई भी आ जाए तो इजी होगा, और ये आपका बहुत ही इजी हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको बनाना है, देख सकते हैं, ट्रिक याद रखिए। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक देखिए क्या है। तो ट्रिक है, आपको रूट वाली जो संख्या होती है, इसको रूट पढ़ते हैं, रूट वाली संख्या को अलग करना है, संख्या को दूसरे साइड में कर देना है, दूसरे तरफ करना होता है, दूसरे तरफ करना है, रूट वाला को क्या करना है, दूसरे तरफ, बाकी सब आपको एक तरफ रखना है। देख सकते हैं, मैंने ये जो रूट वाली संख्या था इसको दूसरे तरफ कर दिया और एक तरफ, बाकी हो गया काम। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करेंगे, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।